मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ओम शक्ति टीवी में। सत्य सनातन वैदिक धर्म के लिए समर्पित एक चैनल जिसका बहुत विशेष कार्यक्रम सबरंग आपके बीच लेकर आए हैं। और इस सबरंग में सबसे पहला कार्यक्रम आपके बीच में सनातन कवि सम्मेलन होने जा रहा है। सत्य सनातन वैदिक धर्म जिसने पूरी दुनिया को जीने का तरीका बताया, सत्य सनातन वैदिक धर्म जिनके ईष्ट इस बात का प्रचार अनादिकाल से करके आए हैं कि हमारा सनातन धर्म हमेशा अजर अमर है और इसको कोई नहीं मिटा सकता। इस धर्म पर अनेकों हमले होने के बाद भी हम चट्टान की तरह मजबूती से इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमारे धर्म में हमेशा सद्भाव की बात बताई जाती है, मानवता की बात बताई जाती है। लेकिन जब जब भी किसी व्यक्ति ने हमारे धर्म पर घात करने की कोशिश की है तो सबसे पहले सनातन धर्म वैदिक धर्म के अनुयायी आगे आए हैं और उन्होंने पूरी दुनिया को दिशा देने का काम किया है, उन लोगों को निस्तनाबूत और मारने का काम किया है। ऐसे हम लोग हैं। आज हमारे बीच में तीन कवि हैं जो बहुत विशेष हैं। सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहता हूं कवि गौरव चौहान, जिन्होंने सनातन धर्म की ध्वजा को लेकर चले और पूरी दुनिया में जा रहे हैं। गौरव चौहान एक ऐसा नाम जो डंके की चोट पर सनातन धर्म का प्रचार करते हुए अपनी सारी कविताएं सुनाते हैं और जब गौरव चौहान की कविताएं होती हैं तो देशद्रोही अपने बिलों में घुस जाते हैं। ऐसे हमारे सनातन धर्म के सजग पहरी गौरव चौहान होते हैं। उनके बाद में मैं जिनका परिचय कराना चाहता हूं उनका नाम होता है कमल आगने। कमल आगने आपको देखने में उम्र में थोड़े कम लग सकते हैं लेकिन जब आप उनकी कविताएं सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कम उम्र का बड़ा कवि आप कमल आगने को सुन रहे हैं और कमल के एक एक शब्द आपके अंतर मन को छुएंगे और आपको लगेगा कि सत्य सनातन वैदिक धर्म में जब तक ऐसे कवि होंगे ऐसे योद्धा होंगे तब तक हमारे धर्म का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक और व्यक्तित्व से मैं मिलवाना चाहता हूं। अभी उम्र में हम सबसे छोटी है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे संस्थान से पढ़ाई कर रही हैं, उसके बाद भी अपने धर्म के प्रति सजग हैं, अपने नेताओं की बात नहीं करती, अपने धर्म की बात करती हैं, देश की बात करती हैं, देश पे जो लोग शहीद हुए हैं उनकी बात करती हैं। ऐसी हमारी वीरांगना कवित्री इशिता गुप्ता हमारे बीच में है। इशिता, तुम्हारा स्वागत है। तो मैं सोच रहा हूं कि सबसे पहले अंगार की बात करने के लिए, वीरस की बात करने के लिए, सत्य सनातन वैदिक धर्म की बात करने के लिए किसको बुलाऊं, तो इस सनातन कवि सम्मेलन और सबरंग के पहले एपिसोड में मैं जिस कवि को बुलाना चाहता हूं उस कवि का नाम गौरव चौहान होता है। जब इस दुनिया में भगवान राम की आलोचना की जाती है तो मंचों पर करोड़ों लोगों के बीच में गौरव चौहान ने कहा कि पूरे विश्व में राम एक ऐसा शब्द है जिसको एक बार राम बोलते हैं तो ईश्वर का नाम होता है, दो बार राम राम बोलते हैं तो अभिवादन हो जाता है, तीन बार राम 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 बोलते हैं तो संवेदनाएं व्यक्त हो जाती है और अनंत बार राम 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 बोलते हैं तो ईश्वर का भजन हो जाता है। तो इस चीज का प्रचार करने वाले गौरव चौहान को बुलाना चाहता हूं। आप सभी लोग जोरदार ताली बजाएं, गौरव चौहान आए और अपना काव्य पाठ करें। गौरव चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद। देश के बड़े कवि और मंच संचालक अमित शर्मा जी और सनातन धर्म के एक सच्चे सेवक हैं, सच्चे सिपाही हैं। इनके संचालन में अगर मैं अपना दायित्व निभा रहा हूं तो ये मेरा सौभाग्य है। मैं अमित शर्मा को प्रणाम करता हूं, मेरा मित्र कमल और ये बहन इशिता। ओम शक्ति टीवी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि सनातन धर्म की पताका को बुलंदियों पर लहराने के लिए हम कवियों को एक माध्यम बनाया जा रहा है। मैं इस अवसर को प्रणाम करता हूं और चार पंक्तियां पहले मैं उन तक पहुंचा देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे सनातन धर्म पर, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो नेता हो, जो हमारे धर्म पर, हमारे धर्म के रंग पर, हमारे भगवा पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। स्वागत। सब चार पंक्तियां मैं पढ़ता हूं। स्वागत गौरव। कहा कि भगवा आतंकवाद का रंग है, पिछली सरकारों में भगवा को आतंकवाद का रंग कह दिया गया। तब मैंने कहा कि ना हम जैश ए मोहम्मद हैं, हमने कहा हिंदू कुछ भी हो सकता है, एक सनातन का बेटा कुछ भी हो सकता है, आतंकवादी कभी नहीं हो सकता। वाह वाह भैया, वाह। कि ना हम जैसे मोहम्मद हैं, ना हम लश्कर के बेटे हैं, ना हम जैसे मोहम्मद हैं, ना हम लश्कर के बेटे हैं, नहीं आतंकवादी हम, भगत शेखर के बेटे हैं। और कोई अगर फक्र करता हो कि वो बाबर का बेटा है तो हमको फक्र है, हम वीर सावरकर के बेटे हैं। जिन्होंने सनातन धर्म के लिए अपनी आहुतियां दे दी वो हमारे लिए पुण्य आत्माएं हैं और हम गर्व करते हैं कि हम इस सनातन माटी के सपूत हैं। स्वागत। और जब जब इस देश की राजनीति का इतिहास लिखा जाएगा और उस राजनीति में
सनातन धर्म के उत्कर्ष का इतिहास लिखा जाएगा, तब एक राजनेता भले ही कह ले, लेकिन एक ऐसा महापुरुष जो राजनीति में भी आकर जिसने अपना धर्म नहीं त्यागा, जिसने अपना तेवर और कलेवर नहीं त्यागा, आज उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठे परम पूज्य मुख्यमंत्री वाह योगी आदित्यनाथ, जो भले ही एक पार्टी के हो, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, लेकिन उनके अंदर जो सनातन का वैभव है वो उनकी वाणी में दिखता है, उनके आचार और विचार में दिखता है। मैं ऐसे सनातन सपूत को प्रणाम करता हूं और मैं उनके तेवर से जुड़ी एक कविता सुनाता हूं, सुनिएगा। हम योगी आदित्यनाथ पर क्यों गर्व करते हैं, क्योंकि उनका बयान याद करना उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जब प्रश्न किया गया उनसे कि योगी जी आप ईद मनाएंगे क्या, तो योगी जी ने करोड़ों जनता के सामने उत्तर प्रदेश विधानसभा में कहा था कि मैं मुख्यमंत्री हूं लेकिन मैं हिंदू भी हूं, तो जब मैं हिंदू हूं तो मैं ईद क्यों मनाऊंगा। वाह, ऐसा कहने के लिए बहुत बढ़िया हिम्मत चाहिए। वाह, मैं इस हिम्मत को प्रणाम करता हूं कि राजनीति में भी आकर अपने धर्म का वैभव और उत्कर्ष जानने वाले योगी आदित्यनाथ जी, मैं उनको समर्पित करता हूं, उनकी सनातन सेवा को समर्पित करता हूं। स्वागत स्वागत दिया। जिस दिन उस दिन बयान आया विधानसभा में, जब कहा सबके सामने टीवी के सामने, तब मैंने कहा आंखें जिस पल को तरसी थी वो दश दिखाया योगी ने, आंखें जिस पल को तरसी थी वो दश दिखाया योगी ने, उस सदन बीच खुलकर हिंदू उत्कर्ष दिखाया कि निज धर्म कर्म पर गौरव है, ये सिखा दिया है योगी ने, और जो मोदी नहीं दिखा पाए वो दिखा दिया। प्रधानमंत्री होने के नाते नरेंद्र मोदी जी की कुछ मजबूरियां होती रही होंगी, लेकिन मैं हिम्मत को दाद देता हूं योगी जी की कि बेशर्म जनेऊधारी थे। उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे भी मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने चंद वोटों के लिए अपने धर्म को नीलाम कर दिया। नहीं बिल्कुल, सब लोग समझ गए, हमारे ओम टीवी के दर्शक बहुत समझदार है, समझ गए हैं वो। कैसे थी सरकारें? बेशर्म जनेऊधारी थे जो इफ्तारों में जाते थे, हाथों से तिलक मिटा करके जो टोपी गोल लगाते, तिलक मिटा करके जो टोपी गोल लगाते थे, वोटों की भूख जिन्हें मस्जिद दरगाहों तक ले जाती थी, वोटों की भूख जिन्हें केवल वोटों की भूख जिन्हें मस्जिद दरगाहों तक ले जाती थी, खुद को हिंदू कहने में जिनकी रूह तलक शर्माती थी, खुद को हिंदू कहने में जिनकी रूह तलक शर्माती थी, उन ढोंगी धर्म कपूतों की छाती पर चढ़कर बोल दिया। उन ढोंगी धर्म कपूतों की छाती पर चढ़कर बोल दिया क्यों ईद मनाऊं, हिंदू हूं, ऐलान अकड़कर बोल दिया, हिंदू हूं, ऐलान अकड़कर बोल दिया। अरे जड़ दिया तमाचा और लिखी एक नई कहानी योगी ने। यह हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ कि विधानसभा में एक मुख्यमंत्री कह रहा है कि हां मैं हिंदू हूं, मैं ईद नहीं मनाऊं। वाह वाह, जड़ दिया तमाचा और लिखी एक नई कहानी योगी ने, लो डूब मरो बटवा डाला चुल्लू भर पानी, चुल्लू भर पानी योगी ने, संकेत दिखा है साफ साफ अब इस महंत की बातों में, अब होना दर्द जरूरी है आजम खानों की आंतों में, अब होना दर्द जरूरी है आजम खानों की आंतों में, अरे पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेश में शांति अमन घर होना बहुत जरूरी है, तो फिर गुंडों में योगी का डर होना बहुत जरूरी है। ये वो गुंडे हैं जो हमारे धर्म को गाली देते जब ये सरकारों में होते हैं। बिल्कुल वाह, तब कहता हूं कि पूरे प्रदेश में शांति अमन घर होना बहुत जरूरी है, तो फिर गुंडों में योगी का डर होना बहुत जरूरी है। 24 हम क्यों गौरव करते हैं, सनातन धर्म के सच्चे सपूत योगी पर क्यों गौरव करते हैं, 24 कैरेट का बांका वीर दिलेर मिला है यूपी को। वाह वाह, 24 कैरेट का बांका वीर दिलेर मिला है यूपी को, लगता है जैसे पहला बब्बर शेरा है यूपी को, शेर मिला है यूपी को। हिंदू गौरव पर अगर ऐसे ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हमारे देश में रहे तो विश्वास के साथ गौरव चौहान कहता है कि हिंदू गौरव पर ग्रहण लगा जो जल्दी हटने वाला है, जिहादी कुनबा सदमे में अब शीश पटकने वाला है, जिहादी कुनबा सदमे में अब शीश पटकने वाला है। और योगी जी क्या है, ये दो पंक्तियां कविता की सबसे महंगी पंक्तियां हैं। योगी जी है क्या, राजनीति के नवयुग में बजरंगी का अवतारी है। अगली दो पंक्तियों में कमल अमित मेरे दोनों भाई समर्थन करना, क्या है योगी, ये दो पंक्तियां उनको समर्पित है कि वह राजनीति के नवयुग में बजरंगी का अवतारी है, थोड़ा सा बाल ठाकरे है, थोड़ा सा अटल बिहारी।
दिवाली फिर से चमकी है, होली फिर से मुस्काई है, शिवरात्रि लगी महकी महकी, हर उत्सव में तरुणाई है। यह कवि गौरव चौहान कहे, यह स्वाभिमान की बेला है, हर हर हिंदू मिलकर साथ खड़ा, अब योगी नहीं अकेला है, आरंभ हुआ है लोक प्रचंड, आरंभ हुआ है लोक प्रचंड, हम दिव्य चमकते बिंदु हैं, खुलकर के आज सभी बोलो, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। बहुत बढ़िया। ये दुर्भाग्य देश का कि जिस सनातन धर्म में सद्भाव का संदेश है, पूरी दुनिया को परिवार माना गया है, वहां हमारे साथ रहने वाले कुछ लोगों को हमारे ही धार्मिक प्रतीकों से दिक्कत होती है, हमारे धार्मिक क्रिया कलापों से दिक्कत होती है। जिस योग ने पूरे संसार में भारत की सनातन परंपरा की महिमा का गुणगान किया, झंडा गाड़ दिया, आज उसी देश के लोगों ने, उस देश के कुछ तमाम कुछ कट्टरपंथियों ने योग पर प्रश्न चिन्ह लगाया, जबकि अन्य मुस्लिम देशों में योग को बिना किसी भेदभाव के लोग कर रहे हैं, मुस्लिम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन योग का विरोध हमारे देश में ही। तब एक प्रश्न खड़ा होता है, और ये प्रश्न है कि हम सनातन धर्म वाले आपके साथ सद्भाव से रहते हैं, लेकिन इतना अधिकार किसी को नहीं देते हैं कि आप हमारी परंपरा को गाली दें। बहुत तब हम बोलते हैं, बहुत तब हम बोलते हैं। अच्छा बात, अच्छी बात, अच्छी बात। वाह, जिस जब जब योग दिवस आता है, खड़े हो जाते हैं कुछ टोपी और दाढ़ी वाले, कहने लगते हैं भाई ये बुरा है, हम नहीं करेंगे। तब प्रश्न करता हूं ऐसे लोगों से कि सूरज से नफरत करते ये चांद सितारा देखो तो, वाह वाह, सूरज से नफरत करते ये चांद सितारा देखो तो, अच्छी पंक्ति है, गंगा को गाली देती जमुना की धारा देखो तो, ये कहते गंगा जमुनी तहजीब, गंगा जमुनी तहजीब, काहे की तहजीब, जब गंगा को जमुना गंगा को जमुना पसंद नहीं कर रही है, तब कहता हूं कि संविधान की शीतलता पर चढ़ता पारा देखो तो, बैर कपट से भरा हुआ ये भाईचारा देखो, बैर कपट से भरा हुआ ये भाईचारा देखो तो, हिंदू मुस्लिम भाई भाई नारे सुनते आए हैं, भारत माता की आंखों के दो तारे सुनते आए हैं, वाह, भारत मां की आंखों की सच्चाई को पहचान लिया, वाह, दो आंखों में एक आंख कानी है हमने जान लिया, एक आंख कानी है हमने जान लिया, वाह, छोटी सोच नजर छोटी ने फिर बेईमानी कर डाली, वाह, कानी आंखों ने फिर देखो आना कानी, कानी आंखों ने देखो आना कानी कर डाली, हमने क्या सुना था कि कायनात के हर जर्रे में खुदा बसा, कुरान कहे, धरती अंबर सूरज चंदा सब में ही रहमान रहे, वाह, वो धरती जिसके सीने से हमें निवाला मिलता है, वो सूरज जिसके दम से भरपूर उजाला मिलता है, मेरा धर्म सनातन कहता कुदरत का सम्मान करो, वाह, मेरा धर्म सनातन कहता कुदरत का सम्मान करो, कुदरत में भगवान बसे हैं, कुदरत का गुणगान करो, वाह, कैसा है इस्लाम तुम्हारा, कुदरत कुफ्र बताता है, वाह, कैसा है इस्लाम तुम्हारा, यह जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है, आप अच्छा जानते होंगे। तब प्रश्न करता है कि कैसा है इस्लाम तुम्हारा, कुदरत कुफ्र बताता है, मजहब है या कोई जिद है, जबरन ही बनवाता है, हम तुमको भाई माने, हम तुमको भाई माने, तुम दुश्मन सा व्यवहार करो, हम ख्वाजा पर सर पटके तुम ओमकार पर वार करो, अरे जिस पर दुनिया गर्व करे वो योग तुम्हें बदनाम लगा, वाह, जिस पर दुनिया गर्व करे वह योग तुम्हें बदनाम लगा, छोटी छोटी बातों से ही खतरे में इस्लाम लगा, गीत मातरम वंदे दिल पर चोट दिखाई देता है, वाह भैया हम नहीं बोलेंगे, गीत मातरम वंदे दिल पर चोट दिखाई देता है, सूरज के अभिनंदन में भी खोट दिखाई देता है, सूरज के अभिनंदन में भी खोट दिखाई देता है, अरे गंगा जमुनी तहजीबों के ड्रामे सारे बंद करो, अगर यही करना है तो ये नारे लगाना बंद करो, अगर आप सूरज से नफरत कर सकते हैं, नमस्कार नहीं कर सकते हैं, योग से आपको दिक्कत है, तो मेरी अपील सुन लीजिए कि गंगा जमुनी तहजीबों के ड्रामे सारे बंद करो, हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाले नारे बंद करो, अरे तुलसी के गमले में बस दो चार फूल ही खिलते हैं, तुलसी के गमले में बस दो चार फूल ही खिलते हैं, सौ में दो अब्दुल कलाम अब्दुल हमीद ही मिलते हैं, सौ में दो अब्दुल कलाम अब्दुल हमीद ही मिलते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है सनातन माटी की आज के परिवेश में, कि सच तो ये है, सच तो ये है, गाजी का अरमान बनाकर रहते हैं, ये भारत में खुद का पाकिस्तान बना, मित्रों ये थे गौरव चौहान।
जिन्होंने सनातन धर्म की पताका को बहुत ऊपर तक लेके गए और जो कह रहे हैं कि वास्तविक बात है हमारा धर्म सनातन किसी से कोई बैर नहीं रखता, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं रखता, लेकिन मैंने पहले भी कहा था इनकी भूमिका में कि अगर कोई हमारे धर्म पर आघात करता है तो सनातन धर्म को प्रतिकार का अधिकार तो है, हम प्रतिकार तो करेंगे, क्योंकि हमारे कुनबे के बड़े रचनाकार आदरणीय प्रलंकर जी ने लिखा कि धर्म तो सनातन है, पूरी दुनिया में सत्य सनातन वैदिक धर्म ही एक धर्म है, बाकी अगर हो सकते हैं तो धर्म की शाखा हो सकते हैं, क्योंकि जब पूरी धरती पर कुछ नहीं था उस समय भी सत्य सनातन वैदिक धर्म था। हमारा धर्म सनातन किसी से कोई बैर नहीं रखता, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं रखता, लेकिन मैंने पहले भी कहा था इनकी भूमिका में कि अगर कोई हमारे धर्म पर आघात करता है तो सनातन धर्म को प्रतिकार का अधिकार तो है, हम प्रतिकार तो करेंगे, क्योंकि हमारे कुनबे के बड़े रचनाकार आदरणीय प्रलंकर जी ने लिखा कि धर्म तो सनातन है, पूरी दुनिया में सत्य सनातन वैदिक धर्म ही एक धर्म है, बाकी अगर हो सकते हैं तो धर्म की शाखा हो सकते हैं, क्योंकि जब पूरी धरती पर कुछ नहीं था उस समय भी सत्य सनातन वैदिक धर्म था। क्या बात, तब जाकर उन्होंने लिखा कि धर्म तो सनातन है, धर्म तो सनातन है और कोई धर्म नहीं, यही धर्म शाश्वत महान देख लीजिए, और इसके अनेक धर्म ग्रंथ है गवाह बने, आप वेद गीता और पुराण देख लीजिए, जन्मते ही कृष्ण और विष्णु के है चिन्ह छपे, इससे बड़ा नहीं प्रमाण देख लीजिए, और उंगलियों के पोर पोर पर निगाह डालकर शंख और चक्र के निशान, हर इंसान की उंगलियों पर शंख और चक्र के निशान है, तो हम कैसे झुटला सकते हैं कि सत्य सनातन वैदिक धर्म की कोई जन्म तिथि नहीं है, हर धर्म की जन्म तिथि है, हर आदमी जानता है, हर व्यक्ति जानता है कि कौन सी सभ्यता 2021 वर्ष पहले आई, कौन सी सभ्यता 2041 साल पहले आई, कौन सी सभ्यता 1439 साल पहले आई, क्योंकि हम नाम किसी का नहीं लेते। ओम शक्ति टीवी के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हम सनातन धर्म को बल देने का काम करते हैं, किसी के ऊपर अनायास कोई प्रतिकार नहीं करते। तो अब हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, इस श्रृंखला में हमारे कुनबे के एक बड़े रचनाकार जिनका परिचय मैंने आपके सामने कराया, उनका नाम कमल आग्ने होता है, सनातन धर्म को बल देते हैं, और सबसे बड़ी बात इनकी यह है कि जो मंचों पर कोई नहीं बोलता, जिनको मंचों से गद्दार लिख दिया, जिनको मंचों से देशद्रोही लिख दिया, और जो सच्चे देशभक्त थे उनका गुणगान करते हैं, ऐसे हम कमल आग्ने जी का स्वागत करते हैं। कमल, आज मंच तुम्हारा है, ओम शक्ति टीवी के माध्यम से आप बताइए कि सत्य सनातन वैदिक धर्म की महिमा क्या है, हमारे शहीद हमारे लिए क्या है, हमारे वतन का काम करने वाले हमारे जाबाज सिपाही हमारे लिए क्या है। स्वागत कमल आग्ने। आप सबको नमस्कार, ओम शक्ति टीवी का बहुत बहुत आभार कि उसने एक बड़े विजन को लेकर के एक नया शो आपके बीच में प्रस्तुत किया है, और भैया जहाँ से आपने बात शुरू की है, शुरू किया जहाँ से आपने खत्म किया, मैं वहीं से शुरू करने की कोशिश करता हूँ। स्वागत स्वागत। आदरणीय अमित शर्मा जी कह रहे थे कि इस दुनिया में कई सारी सभ्यताएं आई, लेकिन 1500 साल पहले जो आई उसमें आज तक सभ्यता आई नहीं। कुछ कविताएं सुनाने के लिए मैं आपके बीच में हूँ। आप परिस्थितियां देश की देख रहे हैं, देश के शहीदों की बात भैया ने की है, लेकिन जिन्होंने अपने बलिदानों से हमारे देश के एक जिसको हमारे भारतीय जो मनीषा है उसमें कश्मीर को हमारे सिर का देश का मुकुट कहते हैं, हाँ। उस मुकुट पर, उस मस्तक पर जिन्होंने प्रहार किया, जिन्होंने अपने बलिदान देकर के उसकी रक्षा की, उनका हम कुछ नहीं कर पाए। जिन्होंने उस पर प्रहार किया उन्हें हम 370 देकर के बैठे थे। मैंने अभी बाहर गौरव भैया को
एकदम 500 के नोट दिए, मैंने कहा इसके चेंज दो, तो इन्होंने 130 वापस किए, मैंने कहा बाकी का, बोले 370 तो खत्म। मैं सोच रहा हूँ कि उस विषय पर भी थोड़ी सी बात हो जाए। दो तीन वर्षों पहले एक छंद पड़ा था, जब पैलेट गन का प्रयोग शुरू हुआ था तो लोगों ने बहुत आरोप लगाया कि पैलेट गन का प्रयोग करने से लोगों के शरीर में छेद हो जाया करते हैं, इसका प्रयोग ना किया जाए। उस समय कमल आगने ने एक छंद पड़ा था जो काफी लोगों तक पसंद किया गया, वो जवाब आप तक देना चाहता हूँ कि पैलेट गनों का ये प्रयोग रोकने से पूर्व इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसे भैया कह रहे थे गंगा यमुना, गंगा और यमुना दोनों हमारी हैं, उनके पास तो रेगिस्तान में एक पानी की बूंद भी नहीं थी। पैलेट गनों का यह प्रयोग रोकने से पूर्व जान लेना सैनिकों की वेदना जरूरी है, कि भीष्म यदि कौरवों के पक्ष पर युद्ध करे पार्थ द्वारा उनको भी भेदना जरूरी है। बहुत बढ़िया। पैलेट गनों का यह प्रयोग रोकने से पूर्व जान लेना सैनिकों की वेदना जरूरी है, भीष्म यदि कौरवों के पक्ष से करेंगे युद्ध पार्थ द्वारा उनको भी छेदना जरूरी है, नमक हरामों के तो घावों पे नमक रख, रिस रहे जख्म को कुरेदना जरूरी है, और भारत के आंचल में छेद जिसने किए हैं उनके शरीर को भी छेद। अधर्म के खिलाफ, अधर्म के साथ में खड़े हुए अपने अपने पितामह भीष्म को नहीं छोड़ा, आप किस खेत की मूली हो? खेत की तो नहीं, रेगिस्तान की हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब आइए कुछ नए छंद आपको सुना देना चाहता हूँ इस समय। चार पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूँ कि ऐसा हुआ क्यों, कि कुछ कारणों से चंद जय चंद जाफरों की भारत में होनी पहचान बंद हो गई। बयान दे देते हैं कि 370 अगर से छेड़छाड़ होगी तो तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, कि कुछ कारणों से चंद जय चंद जाफरों की भारत में होनी पहचान बंद हो गई, उनको लगा कि शौर्य स्वाभिमान है तो बलिदान की परंपरा महान बंद हो गई। बड़ी उनको बंदी है। लगा कि शौर्य स्वाभिमान है तो बलिदान की परंपरा महान बंद हो गई, किंतु देखो काली जादू गर्नी की आज कैद, मुझे पता है ओम शक्ति टीवी के दर्शक पहुंच जाएंगे मैं कहां तक कहने की कोशिश कर रहा हूं, किंतु काली जादू गर्नी की आज कैद, राष्ट्रवादी पिंजड़े में जान बंद हो गई, राष्ट्रवादी पिंजड़े में जान बंद हो गई, और केसर के फूल मां के पैरों में चढ़ा दिए तो झूठी महबूबा की दुकान बंद। कहा कि जो है 370 से छेड़छाड़ होगी तो तिरंगे को कंधे देने वाले लोग नहीं बचेंगे। ये बयान सारे लोगों ने सुना होगा, एक जवाब मेरा उन तक पहुंचा है, आप भी सुन लीजिएगा। कि अलगाव के अलाव से लगाव का प्रभाव भाई, और जो जो दर्शक देख रहे होंगे निश्चित रूप से अगर साहित्य को समझने वाले होंगे तो उनको ये भाषा अच्छी लगेगी, सुनिएगा। कि अलगाव के अलाव से लगाव का प्रभाव धीरे धीरे मन से बुझाने वाले ढूंढिए, अलगाव के अलाव से लगाव का प्रभाव धीरे धीरे मन से बुझाने वाले ढूंढिए, टूट कर डूबा महबूबा का जहाज आज इसको किनारे पे लगाने वाले डूबा का जहाज आज इसको किनारे पे लगाने वाले ढूंढिए, इतना भी हो न सके तो हमारी बात सुन, इतना भी हो न सके तो हमारी बात सुन, मातम की धुन को बजाने वाले ढूंढिए, इतना भी हो न सके तो हमारी बात सुन, मातम की धुन को बजाने वाले ढूंढिए, और देश के तिरंगे को उठाने वाले हैं करोड़ों, देश के तिरंगे को उठाने वाले हैं करोड़ों, अब आप खुद को उठाने वाले। जो लोग ये कह रहे थे कश्मीर में हमारी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा, उन्हें इस बार जब नजर बंद किया गया पुलिस वालों से पूछ करके वॉशरूम तक जाना पड़ा। ऐसे लोग इस देश जिनकी कोई औकात नहीं थी उनको हमने ज्यादा प्रेफरेंस दे रखी थी, लेकिन जब सही लोग आते हैं तो कुछ कुछ सही काम होता है। वो कह रहे थे 370 में छेड़छाड़ भी नहीं हो सकती है, छेड़छाड़ क्या भाई साहब, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने वही काम 370 के साथ किया जो सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग मिलकर शोएब अख्तर के साथ करते हाँ। तो योगी जी की बात कर रहे थे, वो भोपाल में जो अभी फ्रांस में मामला हुआ था उसके विरोध में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, शिवराज जी ने उस पर एक्शन लिया, मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति का विरोध किया, मतलब खिलाफत का पार्ट 3.0 उन्होंने शुरू कर दिया, एक साइन बाग में शुरू हो गया था दूसरा। अब आप देखिए कि यूपी में कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, तो मैंने पूछा एक लोगों से, मैंने कहा भाईजान ये भोपाल में प्रदर्शन हो रहा है, मुंबई में प्रदर्शन हो रहा है, आप ये यूपी में प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हो? उन्होंने बोला हमने सीए में किया था, उसकी किस्त भी बाकी थी। उनका पैर टूट गया। हाँ। मैंने कहा भाई पैर टूटा है इस पर प्लास्टर ऐसे चढ़ाओ, बोला नहीं फ्रांस के विरोध में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं चलाएंगे, तुर्की वाला हो तो बताओ। इन लोगों ने गुपकार रोड पे अपना ऑफिस बना लिया है। हाँ। चाय पानी के लिए तो वहां पर जो एक डिक्लेरेशन किया है कि हम इस 370 को वापस बहाल करेंगे
और वापस बहाल करने तक कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाँ। अच्छा तुम अभी भी लड़ोगे तब भी कुछ नहीं होगा, बाद में लड़ोगे तब भी कुछ नहीं होगा। हाँ। अब ये जो गुपकार अलायंस शुरू हुआ है, चार पंक्तियां आपको और नहीं सुना देना चाहता हूँ, सुनिएगा। और इस देश के नेताओं से मैं क्या कहना चाहता हूँ, बलिदानी नयनों से इतना बहा है नीर, वाह वाह, कि बलिदानी नयनों से इतना बहा है नीर, पीर भूल जाने का विचार नहीं करना। भाई वाह कमल अद्भुत, बलिदानी नयनों से नीर इतना बहा है, पीर भूल जाने का विचार नहीं करना। जगदम्बा के लिए हैं केसर के फूल यहाँ, कि जगदम्बे के लिए हैं केसर के फूल यहाँ, डायन का इनसे श्रृंगार नहीं करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कश्मीर में त्रिकूट पर्वत पर माँ बैठी हुई है, ये केसर के फूल उनके श्रृंगार के लिए है, किसी महबूबा मुफ्ती के श्रृंगार के लिए नहीं है। कि पीर भूल जाने का विचार नहीं करना, जगदम्बे के लिए है केसर के फूल यहाँ, डायन का इनसे श्रृंगार नहीं करना। परिवारवादी मानसिकता पे करो वार, महबूबा से अजूबा प्यार नहीं करना। और सरकार से है दरकार भी किसी प्रकार, सरकार से है दरकार की किसी प्रकार, गुपकार पर उपकार नहीं करना। छंद आपको विशेष सुना करके मैं अपना स्थान लेता हूँ कि दो छंद अब हमें क्या जरूरत है, कि घाटियों में हिंदुओं के बसने की देर अब, कि घाटियों में हिंदुओं के बसने की देर अब, लग 370 का तीन नहीं पाएगा। वाह बयान वा, आप लोग सुन रहे हैं, चीन की मदद मांग रहे हैं, मतलब पड़ोसियों पे विश्वास है। वाह अभी एक हमने बुआ जी को निपटा दिया है। हाँ। अब फारूक अब्दुल्ला फूफा जी की बारी है। कि घाटियों में हिंदुओं के, चीन से मदद मांग रहे हैं, कि घाटियों में हिंदुओं के बसने की देर अब, लग 370 का तीन नहीं पाएगा। शारदा की पीठ है जागरण का केंद्र बिंदु, शारदा की पीठ यहाँ जागरण का केंद्र बिंदु, कोई इसे कर ज्ञान ही नहीं पाएगा। दूध की तो बात बड़ी दूर अब छोड़ दीजिए, सांप रहने को आज तीन नहीं पाएगा, सांप रहने को आज तीन नहीं पाएगा। और फारूक जी आप और आपका अवैध बाप, फारूक जी आप और आपका अवैध बाप, चीन हिंद की जमीन छीन नहीं पाएगा। एक अंतिम छंद श्रृंखला का मैं आपको सुनाता हूँ, जो हमारा कविता नहीं है, ये हमारा मिशन है, ये हमें अब करना ही पड़ेगा। अगर हम इसे नहीं कर पाए तो शायद हम अपनी भूमि के टुकड़ों को, हमारे देश की अस्मिता को बचा नहीं पाएंगे। सुनिएगा स्वागत कि आधी रात में सनातनी निकाले गए जहां, मैं चाहता आधी रात में, वाह वाह भैया जनेऊ धारी की बात कर रहे थे, जनेऊधारी भी आए और जनेऊधारी भी आए। हाँ, लेकिन हमें किनसे क्या बात करनी है सुनिएगा, कि मैंने कश्मीरी पंडित शब्द का प्रयोग नहीं किया है, पूरे होशो हवास में मैंने वहां पर हिंदू लिखा है, ताकि लोग जान सके जो लोग निकाले गए थे वो किसी जात के नहीं थे, वो किस आधार पर निकाले गए थे, ये देश तक पहुंचना चाहिए। हिंदू थे वो, हिंदू। आधी रात में सनातनी निकाले गए जहां, अब वही होश को संभाल कर रहेंगे। वाह बहुत बढ़िया। रोशनी आप घोटाला देख रहे हो, 101 रुपए में कश्मीरी पंडितों की जमीन किन लोगों को दे दी गई, आपको पता होना चाहिए। कि आधी रात में सनातनी निकाले गए जहां, अब वही होश को संभाल कर रहेंगे। और कश्यप ऋषि के वंशजों की पुण्य भूमि पर, कश्यप ऋषि के वंशजों की पुण्य भूमि पर, म्लेच्छ नहीं कीचड़ उछाल कर रहेंगे। जामवंत हनुमंत को करेंगे क्रोधवंत, जामवंत हनुमंत को करेंगे क्रोधवंत, वक्त पड़ा रक्त को उबाल कर रहेंगे। हाँ। वक्त पड़ा रक्त को उबाल कर रहेंगे। और यमुना से कालिया निकालने वाले के भक्त, यमुना से कालिया निकालने वाले के भक्त, झेलम का कालिया निकाल कर। हमारे योगीराज कृष्ण ने जिस प्रकार यमुना का कालिया निकाला था, नर्तन किया था, उसी प्रकार कमल आगने ने झेलम के कालिया पर शब्दों के माध्यम से नृत्य कर दिया है। अब राजनीति को नृत्य करना बाकी। एक बार जोरदार ताली बजाते हैं कमल आगने के लिए। और कमल के बारे में अगर कुछ भी कहें तो शब्द साथ नहीं देते, बस अपने अनुज को जो मेरे एक अनुरोध पर, एक आदेश पर कहीं भी चला आता है। मैं यही कहना चाहता हूं कमल, तुम्हारी उड़ान बहुत ऊंची है, और ओम शक्ति टीवी के माध्यम से तुम्हें असीम शुभकामनाएं देता हूं कि सनातन धर्म का झंडा इसी प्रकार बुलंद रहो और देशद्रोहियों के छाते पर इसी प्रकार लगते रहो। बहुत बहुत शुभकामनाएं।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, आपने दो अंगार के रूप देख लिए, एक और है हमारी माँ दुर्गा, जिन्होंने श्रृंगार को नहीं अपनाया, अंगार की बात करती हैं, देश की बात करती हैं। हमारी नारी शक्तियों ने बहुत बलिदान दिए, लेकिन जिनको माँ दुर्गा का स्वरूप कहा गया, चित्तौड़गढ़ की वो महारानी माँ पद्मिनी, जिन्होंने जौहर को स्वीकार किया लेकिन एक मलेच को अपने तन को हाथ नहीं लगाया। वाह वाह, सर्वश्रेष्ठ बलिदान हजारों नारियों ने किया, 70,000 लोग युद्ध में और जौहर में शहीद हो गए थे, उसके ऊपर कविता रखने के लिए मैं शीता गुप्ता को बुलाता हूं। और मित्रों, बहुत अच्छा लगता है जब कम उम्र की नौजवान बालिका देश की बात करती है, धर्म की बात करती है, यही सनातन की शक्ति है। और आज इशिता का यहां पर पहला मंच है, इसी मेरा बहुत मन होता था जब मैंने पहली बार इशिता को सुना था, और जब मैंने सुना था कि एक दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा जिसको पढ़ना था लिखना था लेकिन उसने धर्म की बात को चुना, वो चाहती तो श्रृंगार लिख सकती थी, फिल्मों में गीत लिख सकती थी, लेकिन धर्म की बात करना आपस में बड़ी बात है। और मेरे गुरुदेव कहते हैं, ओम शक्ति टीवी के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि जो धर्म को बल देते हैं, धर्म उनको बल देते हैं। इशिता तुम्हारा जोरदार ताली बजाएं, इशिता गुप्ता अपना पाया पाता है। जय श्री राम। बहुत बहुत प्रणाम सभी को, ओम शक्ति टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद, अमित भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। कविता का शीर्षक जौहर है, ये कविता स्पेसिफिकली उनके लिए है जो भारत को बहुत आसानी से गाली दे देते हैं, मंचों पर खड़े होकर धर्म का मजाक उड़ाते हैं, भारत को गाली दे देते हैं, मतलब उनके लिए भारत बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, तो ये कविता उनके लिए है। कविता क्या है, जौहर हमारी इतिहास में एक प्रथा होती थी जिसमें जब बाहरी कोई आक्रमण होता था तो महिलाएं जो है अपनी आन मान और स्वाभिमान के लिए एक बहुत बड़े से कुंड में अग्नि जलाकर उसमें कूद जाती थी ताकि बाहर से जो भी आक्रमण हो रहा है वो उन पे असर ना डाले, मतलब वो कुछ गलत ना करे उनके साथ। बहुत बढ़िया, वाह। तो कविता जौहर, और इसमें आपको एक शब्द मिलेगा साका। साका का मतलब होता है कि महिलाएं तो अब जौहर कर रही हैं, तो जो पुरुष हैं वो युद्ध भूमि में जाते थे और अपनी पूरी जी जान से युद्ध करते थे, ये जानते बूझते कि वो वापस नहीं आएंगे, तो इसको साका बोला जाता था। तो कविता में चित्तौड़ दुर्ग का दर्द है क्योंकि वहां कर्णावती माँ पद्मिनी ने जौहर किया बहुत हजारों महिलाओं के साथ। वाह बेटा वाह। तो चित्तौड़ दुर्ग का दर्द है, राजस्थान का दर्द है। कविता शुरू करती हूँ। स्वागत स्वागत। जौहर, इस पर्वत से महल में क्या क्या नहीं देखने लायक है, इस पर्वत से महल में क्या क्या नहीं देखने लायक है, द्वार से ले दरबार सभी का सभी देखने लायक है, हृदय में लेकिन दुर्ग पीरिए, हृदय में लेकिन दुर्ग पीरिए बहुत दबा कर बैठा है, हंसी खुशी त्योहार के सारे रंग गवा कर बैठा है, हृदय में लेकिन दुर्ग पीरिए बहुत दबा कर बैठा है, हंसी खुशी त्योहार के सारे रंग गवा कर बैठा है, जो भी आए यहाँ, जो भी आए यहाँ रण के दृश्यों में खो जाए, ऊंचाई और शिल्पकला को देख अचंभित हो जाए, रूप दिखे सबको और केवल स्वर्ण दीवार दिखाई देती है, कोई नहीं जिसको जौहर की चीख सुने, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, कोई नहीं जिसको जौहर की चीख सुनाई देती है, क्या रूप दिखे और बस स्वर्ण दीवार दिखाई देती है, कोई नहीं जिसको जौहर की चीख सुनाई देती है, नहीं दिखे वो दशा स्वयं जब काल पराजय ले आए, नहीं दिखे वो दशा स्वयं जब काल पराजय ले आए, नहीं दिखे बलिदानी समय जो सदियों का भय दे जाए, जौहर बिन चित्तौड़ का ये इतिहास अधूरा लगता है, जौहर बिन चित्तौड़ का ये इतिहास अधूरा लगता है, साका करते वीर सपूतों के संग पूरा लगता है, प्राण समर्पित करने जिसकी अग्नि में कूदा जाता, प्राण हो अर्पित धरती माँ को वो साका कहलाता था, प्राण हो अर्पित धरती माँ को वो साका कहलाता था, इस महल में अग्नि में अर्पण जौहर की जलती है गाथा। वाह क्या था जौहर, वीरांगनाओं के बलिदानों का उदाहरण था जौहर, वीरांगनाओं के बलिदानों का उदाहरण था जौहर, प्राणों का परित्याग था कोई नहीं साधारण था जौहर, समझे कौन भावनाएं जो दिल में उनके बहती थी, समझे कौन भावनाएं जो दिल में उनके बहती थी, आखिर रानी अंतिम क्षण राजा से क्या क्या कह, चांद बिलखता था रानी के संग विलाप जब होता था, चांद बिलखता था रानी के संग विलाप जब होता था, अंदर अंदर टूट टूट राजा भी कितना रोता था, प्रिय संभालो खुद को ना अब आंसू एक बहाना है, छत्राणी जितनी है सबका संबल तुम्हें बढ़ाना है, समय यहाँ पर ले आया है इसको अब स्वीकार करो,
समय यहाँ पर ले आया है, इसको अब स्वीकार करो, हुंकार भरूंगा मैं भी, अब तुम भी अंतिम श्री। समय यहाँ पर ले आया है, इसको अब स्वीकार करो, हुंकार भरूंगा मैं भी, अब तुम भी अंतिम श्रृंगार करो। सजा के बिंदिया सूर्यवंश की अंतिम बार कपाल पे तुम, सजा के बिंदिया सूर्यवंश की अंतिम बार कपाल पे तुम, केश में गजरा नैन में काजल रखना आज संभाल। केश में गजरा नैन में काजल रखना आज संभाल के तुम, पायल धारण कर लो ऐसी के धरती भी नाच उठे, पायल धारण कर लो ऐसी के धरती भी नाच उठे, साहस इतना धारो के कणकण से आवाज उठे। वाह वाह। हाथों में मेहंदी हो और कलाई में चूड़ी भी खनके, वाह वाह। नथनी के संग संग कानों में झुमके भी चमके। भाई वाह वाह वाह, क्या चित्रण किया है सीता। वाह। जोड़ा पहन विवाह का, जोड़ा पहन विवाह का, सुंदर लाली अधर लगा लो। वाह। जोड़ा पहन विवाह का, सुंदर लाली अधर लगा लो तुम, महारानी समय आ गया जौहर कुंड सजा लो। वाह वाह वाह। महारानी समय, महारानी समय आ गया जौहर कुंड सजा लो तुम, अद्भुत। देखो वो रूप नया नवेला, देखो वो रूप नया नवेला आज निखर कर आया है। देखो वो रूप नया नवेला आज निखर कर आया है, एक बालक बारा का भी तलवार प्रखर कर लाया है। दिव्य वो ज्वालाओं को तुम बिल्कुल इनकार नहीं करना, दिव्य वो ज्वालाओं को तुम बिल्कुल इनकार नहीं करना, मैं लौटूंगा शायद ही तुम इंतजार नहीं करना। अंतिम अवसर है आया, अब मात्र प्रेम दिखलाएंगे। अंतिम अवसर है आया, अब मात्र प्रेम दिखलाएंगे, तुम जौहर कक्ष को बढ़ जाओ, हम साका पर जाएंगे। वाह 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 वाह। विजय तिलक तलवार थाम कर विदा करो चौखट से तुम, वाह। विजय तिलक तलवार थाम कर विदा करो चौखट से तुम, गौरवीय ऊर्जा भर दो इस वीरों के जमघट में तुम। समय विदाई का आया, यादें भी दौड़ साथ आई। वाह। समय विदाई का आया, यादें भी दौड़ साथ आई, दिन विवाह का याद आया, पहली छुवन मुस्काई। वाह वाह। मांग किसी की लाल किसी का और कलाई छोड़ आई। वाह। मांग किसी की लाल किसी का, बहन कलाई छोड़ आई, सब कुछ त्याग द्वार पर, सारी भीतर कैसे जा पाई। वाह बहुत अच्छी। वाह। अब जाना तो था, आंसू पोंछ के चली महल को, आंसू पोंछ के चली महल को इस सम्मान की खातिर वो, आंसू पोंछ के चली महल को इस सम्मान की खातिर वो, स्वाभिमान बलिदान वो अपने हिंदुस्तान की। बहुत अच्छे। वाह। शेर भी पीड़ा त्यागे रण में अंगारे बन खड़े हुए, शेर भी पीड़ा त्यागे रण में अंगारे बन खड़े हुए, लाखों के आगे कुछ हजार ले सीना तन खड़े हुए। जौहर कक्ष वहां सजा था जैसे आई दिवाली हो। जौहर को, जौहर होने से पहले कक्ष को और कुंड को बहुत अच्छे से सजाया जाता था और उसकी पूजा की जाती थी। जौहर कक्ष वहां सजा था जैसे आई दिवाली हो, लगे दूर से ऐसा जैसे अंबर में छाई सी लाली। वाह। प्राण समर्पित करने जिसकी अग्नि में कूद आ जाता, प्राण समर्पित करने जिसकी अग्नि में कूद आ जाता, हर क्षत्राणी द्वारा वो दिव्य कुंड भी पूजा जाता। यूं ही प्राणों को झुलसाना इतना था आसान नहीं, यूं ही प्राणों को झुलसाना इतना था आसान नहीं, रणभूमि में मर कट जाना जैसे हूं इंसान नहीं। यूं ही प्राणों को झुलसाना इतना था आसान नहीं, रणभूमि में मर कट जाना जैसे हो इंसान नहीं, खबर नहीं थी वो सुननी पर वही प्रतीक्षा करनी थी। कोई रानी या कोई महिला ये नहीं चाहेगी कि उसको खबर आए जौहर कक्ष में कि राजा मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन उन्हें इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए इसी संदेश का इंतजार करना पड़ता था। खबर नहीं थी जो सुननी पर वही प्रतीक्षा करनी थी, कम होते जाए सैनिक नहीं आंखें फिर भी भरनी थी। समय वो जैसे पल पल उनका हृदय नोचता जाए, समय वो जैसे पल पल उनका हृदय नोचता जाए, मृत्यु हो आदेशित संदेशा जैसे ही आ जाए। नहीं बचा है कुछ भी अब, केवल ज्वालाएं बोलेंगी, हाय कूद कर कुंड में शायद खुलकर रोलेंगी। बहुत सुंदर। वाह। बहुत अच्छे। वाह। बहुत बढ़िया। नहीं बचा है कुछ भी अब, केवल ज्वालाएं बोलेंगी, हाय कूद कर कुंड में शायद खुलकर रोलेंगी, धीरे से पायल संग में जंजीरें भी खुल जाएंगी। वाह। धीरे से पायल संग में जंजीरें भी खुल जाएंगी, महक मेहंदी की अग्नि के कणकण में खुल जाएंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह वाह। लाल लहू से, लाल लहू से जौहर कुंड को अंबर भी देखेगा। वाह। लाल लहू से जौहर कुंड को अंबर भी देखेगा, कैसे ललकारी ज्वालाएं ये दिनकर भी देखेगा। बहुत बढ़िया। वाह शानदार। दबा के पीढ़ा रख ली अंतिम क्षण भी ना रो पाई, दबा के पीढ़ा रख ली अंतिम क्षण भी ना रो पाई, बाहर बचे थे कुछ सैनिक उनकी खातिर ना चिल्लाई। वाह। मिटा यहां सिंदूर,
मिटा यहाँ सिंदूर जले सब सूत्र व अधरों की लाली। वाह वाह वाह, मिटा यहाँ सिंदूर जले सब सूत्र व अधरों की लाली, मिटी सभी आशाएं राख बची सपनों की बस। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, अद्भुत 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 कविता, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। गर्भ सहित उतरी, गर्भ सहित उतरी, कुछ तो जलती थी और लाज सहित बनकर शक्ति वीरों की तब किया सती को परिभाषित। हुआ था काल अचंबित ऐसा दृश्य देख उस धरती का, हुआ था काल अचंबित ऐसा दृश्य देख उस धरती का, सूरज से भी ऊंचा था तब तेज वो जलती धरती। जौहर पूर्ण हुआ यहाँ पर, जौहर पूर्ण हुआ यहाँ पर, वहां पर साका भी खत्म हुआ, पन्नों में इतिहास के दाखिल और एक फिर से जख्म हुआ। अब दुर्ग, दुर्ग वो घायल भीतर घुसपैठी कैसे जीने देता, जिस दुर्ग ने इतना खून खराबा, इतना चीख चिल्लाहट देख ली, वो कातिलों को कैसे जीने देगा अपने अंदर। बिल्कुल, दुर्ग वो घायल भीतर घुसपैठी कैसे जीने देता, जिसने खून जलाया उसको पानी कैसे पीने देता। जिसने खून जलाया उसको पानी कैसे पीने देता, कातिल सारे बाहर फेंके वो वीरान खड़ा है जी, कातिल सारे बाहर फेंके वो वीरान खड़ा है जी, अपनी ऊंचाई से भी उसका अभिमान बड़ा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भीषण रक्तपात की चीखों चिल्लाहट के बाद मिला, ये भारत को गाली देने वाले लोगों के लिए, भीषण रक्तपात की चीखों चिल्लाहट के बाद मिला, यूं ही नहीं अनुपम भारत हमको है आजाद मिला। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही बात, यूं ही नहीं अनुपम भारत हमको है आजाद मिला, सिद्धांत ना उनके होते तो अस्तित्व ये आज नहीं होता। बहुत बढ़िया, वाह अच्छी पंक्तियां। सिद्धांत ना उनके होते तो अस्तित्व ये आज नहीं होता, बलिदान यदि ना होते तो हिंदुत्व ये आज नहीं। मित्रों, मैं बोल नहीं पा रहा हूं, मेरा गला रुंध रहा है। इंग्लिश मीडियम से दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे बड़े विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने के बाद एक 20 साल की हमारी छोटी बहन नारी शक्ति इस तरह की कविता अध्ययन करने के बाद लिख दे, तो मैं ये सोचता हूँ कि उस सत्य सनातन वैदिक धर्म को कौन मिटा सकता है जिसको बल इशिता जैसी बेटियां। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। तो मित्रों, आपने इशिता को सुना, बस मैं इसके बारे में यही कहना चाहता हूँ, हमारे कवि कुनबे की एक बड़ी कवित्री कविता तिवारी ने लिखा है कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर पड़ा, तो इशिता के लिए इन पंक्तियों को पढ़ता हूँ। एक नारी शक्ति क्या होती है हमारे सनातन धर्म में, कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर पड़ा तो ऑटो रिक्शा कार को चलाने लगी बेटियां, और साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां, और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां, और वीर की शहादत पे अर्थी को कंधा दे अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। बहुत अच्छे, तो बेटियों के बारे में बस यही कहना चाहता हूं। अभी कुछ देर पहले कविता लिखी थी, स्वागत भैया, जिसको बहुत पसंद किया गया। मित्रों, मैं शुरू करता हूं कविता, कि बारूद भरा तुमने घाटी में, गौरव सुनना, कि बारूद, लोगों ने कहा था धारा 370 क्यों हट गई, मैं बताता हूं क्यों हट गई, कि बारूद भरा तुमने घाटी में, उसको तो फटना ही था, कलंक बनी थी 370 इसको तो हटना ही था, कलंक बनी थी 370 इसको तो हटना ही था, राष्ट्रद्रोह की गर्म हवा का लम्हा ठहर गया देखो, राष्ट्रद्रोह की गर्म हवा का लम्हा ठहर गया देखो, लाल किले से लाल चौक तक भगवा लहर गया देखो, लाल किले से लाल चौक तक भगवा लहर गया देखो, प्रचंड बहुमत भारत ने ना ऐसे ही दे दिया साहब,
तुमने सावरकर का वंशज हल्के में ले लिया, तुमने सावरकर का वंशज हल्के में ले लिया साहब, कि बाधा कितनी भी आए भूचाल से नहीं डरा करते, बाधा कितनी भी आए भूचाल से नहीं डरा करते, हम अंध उपासक महाकाल के काल से नहीं डरा करते, हम अंध उपासक महाकाल के काल से नहीं डरा करते। दमक दमक डम 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 श्री शंकर फिर से डोल गया, खुद की नगरी खून में देखी, नेत्र तीसरा खुल गया, एक विधान एक संविधान और एक प्रधान होगा, लाल चौक पर तिरंगे की छाया में राष्ट्रगान होगा। युगो युगो तक सभी पढ़ेंगे, अजब कहानी बना दिया। अब अगली पंक्तियों में कमल को चाचा जान और भाई जानों के नाम आएंगे। युगो युगो तक सभी पढ़ेंगे, अजब कहानी बना दिया, अलगाववाद का चचा गिलानी पानी पानी बना दिया, अलगाववाद का चचा गिलानी पानी पानी बना दिया, केसर की क्यारी में सारे बोते अपने पाप रहे, जिम्मेदार उमर फारूक ये दोनों बेटे बाप रहे, ना महबूबा ही दिखती है, ना महबूबा ही दिखती है, नहीं पाक और चीन दिखा अब तक वो बीमार आदमी, नहीं मलिक यासीन दिखा, अंधियार मिटाने का जिम्मा था, अरे अंधियार मिटाने का जिम्मा था, जलते दिए की बाती पर राष्ट्रवाद स्थापित कर दिया, अलगाववाद की छाती पर अलगाववाद की छाती पर मां को सब कुछ अर्पण कर दिया। गौरव सुनना कि मां को सब कुछ अर्पण कर दिया, तब जाकर हम बड़े हुए हैं, जहां पे मोदी खड़े हुए हैं कई हिमालय गढ़े हुए हैं, जहां पे मोदी खड़े हुए हैं कई हिमालय गढ़े हुए हैं, कि जहां पे मोदी खड़े हुए हैं कई हिमालय गढ़े हुए हैं, मुकुट देश का बचा लिया और लाज बची सम्मान की, हल्की कुर्सी मत समझो तुम भारत के प्रधान की, हल्की मत समझो तुम भारत के प्रधान की। अब गौरव बताता हूं कि पंक्ति में, अगली पंक्ति में बताता हूं कमल कि इसके अंदर कौन कौन से हिमालय गढ़े हुए हैं, कि जो कविता से राज बदलता, ये सारे कलमकार, कि जो कविता से राज बदलता वो दिनकर कुर्सी में है, सत्य है, जो कविता से सिंहासन खाली करो की जनता, कि जो कविता से राज बदलता वो दिनकर कुर्सी में है, बैल की भांति कोल चलाया सावरकर, कि जो कविता से राज बदलता वो दिनकर कुर्सी में है, बैल की भांति कोल चलाया सावरकर कुर्सी में है, सवा अरब के भारत का भी प्यार यहाँ कुर्सी में है, डॉक्टर केशव राव हेडगेवार यहाँ, में है, माधवराव सदाशिवराव का अंतस कुर्सी में है, 20 साल तक संघ चलाया देवरस कुर्सी में है, 20 साल तक संघ चलाया देवरस कुर्सी में है, कि जो तूफानों में पार लगाई वो नैया कुर्सी में है, जीवन हवन किया जिसने रज्जू भैया कुर्सी में है, जीवन हवन किया जिसने भैया कुर्सी में है, अब तक कितने नींव बने हैं गौरव सुनना, कि अब तक कितने नींव बने हैं, रण बांकुरे कुर्सी में स्वयं समर्पित होके लगे हैं, बाल ठाकरे कुर्सी में की धड़कन दिल भी कुर्सी में है, राम बोल गए राम चरण में सिंगर भी कुर्सी में है, राम बोल गए राम चरण में सिंगर भी कुर्सी में है, जो वंदे मातरम बोल गए जुनून लगा है कुर्सी में, सुनना कि जो वंदे मातरम बोल गए जुनून लगा है कुर्सी में, कार सेवकों के तन का भी खून लगा है, पंडित अटल बिहारी का स्वाभिमान लगा है कुर्सी में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान लगा है कुर्सी में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान लगा है कुर्सी में, एक तपस्वी पंडित दीन दयाल लगे हैं कुर्सी में, केदारनाथ और सोमनाथ महाकाल लगे हैं कुर्सी में, केदारनाथ और सोमनाथ महाकाल लगे हैं कुर्सी में, और सत्य सनातन परंपरा जब दानव से ठन जाती है, होते हैं तो ये कुर्सी बन जाती है, तो ये कुर्सी बन जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।
करता हूं कि इन्होंने इस मौके पर मुझे अपने काव्य पाठ को राष्ट्र वंदना करने का मौका मुझे मिला है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने भाई से अनुरोध करता हूं कि गौरव चौहान आए और राष्ट्रवाद की इस ज्वाला को और प्रखर करे और आप सब लोग जोर से धन्यवाद। जब राष्ट्रवाद की बात है तो फिर जातिवाद सबसे घातक इस देश के लिए। वाह, मैं ऐसी कविता सुनाऊंगा कि तुम्हें कल्पना भी नहीं होगी कि मैं ये सुना सकता था, लेकिन चूंकि ओम शक्ति टीवी पर खड़ा हूं, सनातन की सेवा का जो संकल्प है इस चैनल का, वो तभी हो पाएगा जब हम इस देश की बागडोर उनके हाथों में दें जो इस सनातन धर्म की रक्षा कर सकें, जो इस सनातन धर्म को पोषित कर सकें, जो इस पर होने वाले वारों को रोक सकें। तो यहां मैं किसी नेता का प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इस सवा अरब की आबादी से इतनी अपील करता हूं कि धर्म तब बचेगा जब देश पर ऐसी सरकारें होंगी जो सनातन की सेवा का खुद भी दृढ़ संकल्प लिए हों। मेरी अपील सुनिए, बेहद जरूरी कविता है। स्वागत। हिंदुस्तान की जनता, देखो कि दो दृश्य तुम्हारे सम्मुख है। आंखें खोलो, आकलन करो। दो दृश्य तुम्हारे सम्मुख है, आंखें खोलो, आकलन करो। गंगा भी है, कीचड़ भी है, जिसका चाहे आचमन करो। गंगा भी है, कीचड़ भी है, जिसका चाहे आचमन करो। मत समझो केवल एक वोट की ताकत है इन हाथों में। भारत भविष्य का लेखा है इन वोटों के जज्बातों में। भारत भविष्य का लेखा है इन वोटों के जज्बातों में। कोई भी चुनाव ये मत समझो बस खेल खिलौने वाला है। भारत किस पथ पर जाएगा ये निश्चित होने वाला है। बहुत बढ़िया। भारत किस पथ पर जाएगा ये निश्चित होने वाला है। और सनातन धर्म तब मजबूत होगा जब जातियां खत्म होगी, जातियों के भेद और भाव खत्म होंगे। ओ यादव जी, ओ मुल्ला जी, ओ जाटव जी, ओ वर्मा जी, ओ गुप्ता जी, ओ ठाकुर साहब, सक्सेना जी, ओ शर्मा जी, क्या देश उन्हें देना है जिनके हाथ रंगे घोटालों में, या उनको जिनका डीएनए मिलता है पश्चिम वालों से? क्या देश उन्हें देना है जिनके हाथ रंगे घोटालों से, या उनको जिनका डीएनए मिलता है पश्चिम वालों से? सौंपोगे क्या ये देश उन्हें जो देश तोड़ने वाले हैं, उनको जो भारत माता की बाहें मरोड़ने वाले हैं, जिनके जनेऊ हैं पाखंडी, हैं धर्म भक्ति में नौटंकी, सेना को गुंडा बतलाए मासूम बताएं आतंकी, सेना को गुंडा बतलाए मासूम बताएं आतंकी, क्या देश उन्हें देना है जिनको राम नाम पर दर्द रहे? क्या देश उन्हें देना है जिनको राम नाम पर दर्द रहे? उनको जो अफजल हाफिज या बुरहानी के हमदर्द रहे, उनको सौंपिए देश जिन्हें बस खानदान की चिंता, भाई बेटे धाती पोते बंगले मकान की चिंता हो। क्या देश उन्हें देना है जो अंदर तक हिल बैठे हैं, अपने वजीर से डरे हुए गठबंधन कर मिल बैठे हैं? उनको सौंपिए देश की जो फौजी को कहते सड़क छाप, या उनको जो रहते सदैव सेना के जज्बे के खिलाफ, ये देश उन्हें दे दे जिनका गजनबियों से है याराना। ये देश उन्हें दे दे क्या जिनका गजनबियों से है याराना? अरबी कठमुल्लों से चलता बस जिनका है पानी। भाई वाह 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 वाह। उनको सौंपे देश जिन्हें हिंदू आतंकी लगता है? ये सब आतंकी, कमल आतंकी, हम आतंकी, ऐसा कहा गया है? इसी तो आतंकी। हाँ, आतंकी नहीं, आतंकी नहीं, आतंकवादी नहीं। क्या उनको सौंपे देश जिन्हें हिंदू आतंकी लगता है? रोजे पावन, रोजे पावन पर राम भजन जिनको नौटंकी लगता है, रोजे पावन, रोजे पावन पर राम भजन जिनको नौटंकी लगता है, अब सुन लो जो मैं कहता हूँ, निर्णय तुमको ही लेना है। ये देश जरा सा सोचो तो फिर किन हाथों में देना है? इस सत्य सनातन भारत को फंसने मत दो षड्यंत्रों को। ओम शक्ति टीवी पर एक संदेश देना चाहता हूँ। स्वागत। ये जो हमारे सनातन के अनुभवी बेटे बैठे हैं, सुनिएगा। इस सत्य सनातन भारत को फंसने मत दो षड्यंत्रों में, पुरखों की थाती रहने दो जीवित विकास के पथ। वाह वाह। विकास भी जरूरी है लेकिन परंपराएं, संस्कृति, धर्म भी इस देश के लिए जरूरी है। इस सत्य सनातन भारत को फंसने मत दो षड्यंत्रों में, पुरखों की थाती रहने दो जीवित विकास के मंत्रों में। वो देंगे तुम्हें मुफ्त खोरी, तुम मेहनत कश बनते जाना। वाह वाह वाह, अच्छा है भाई। वो देंगे तुम्हें मुफ्त खोरी, तुम मेहनत कश बनते जाना। वो बांटेंगे खैरात तुम्हें, झांसे में उनके मत आना। ये लोग विदेशी साजिश के वेतन भोगी अभिकर्ता है। ये देश, ये लोग विदेशी साजिश के वेतन भोगी अभिकर्ता है,
जिस सोच में टुकड़े भारत के उसके ही करता धरता तुमको निजलाभ नजर आए। अभी पंक्तियां सुनिए कि तुमको निजलाभ नजर आए, अपने धनबल की चिंता है, मुझको अपनी पीढ़ी के आने वाले कल की चिंता। मुझको अपनी पीढ़ी के आने वाले कल, तुमको निजलाभ नजर आए, अपने धनबल की चिंता है, मुझको अपनी पीढ़ी के आने वाले कल की चिंता है, घर के भीतर बाहर मुझको उन्मादी भीड़ नजर आती। वाह वाह, इराक सीरिया अमन देख एक बात समझ में आ जाती। ये पंक्तियां सुन लीजिए कि घर की तुलसी बची रहे, घर की तुलसी तो बची रहे, फिर बगिया खिल ही जाएगी, ये देश सुरक्षित रहे सदा, रोटी तो मिल ही जाएगी। और चार पंक्तियों के साथ समापन करता हूँ अपने कार्यपाठ का। और वो पंक्तियां भैया कि मैं पूरे देश की युवा पीढ़ी से कहता हूँ, नौजवानों से कहता हूँ कि जब तक तुम हो, तुम्हारी देशभक्ति है, तुम्हारा राष्ट्रवाद है और तुम्हारा धर्म प्रेम है, इस भारत की जड़ों को कोई नहीं हिला सकता। चार पंक्तियां देता हूं कि ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता, ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता, कभी ये काफिला कुर्बानियों का रुक नहीं सकता, और कन्हैया हो या खालिद हो, लगा ले जोर इतना भी, बदन में जान है तब तक तिरंगा झुक नहीं सकता। बदन में जान है जब तक तिरंगा झुक नहीं सकता, ये थे गौरव चौहान, और इनके बारे में जितना भी कहूं वो कम होता है। आपने इनको कविताओं के माध्यम से समझ लिया होगा कि आखिर इस हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा कवि गौरव चौहान। दर्शकों का पुनः आभार, और इस द्वितीय चक्र में अमित भैया के आदेश पर
मैं कुछ छंद आपको प्रभु श्री राम पर सुनाना चाहता हूँ। उससे पहले एक छोटी सी बात ये करना चाहता हूँ कि हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों पर युवाओं का प्रतिनिधि के रूप में मैं जाना जाता हूँ, तो मेरी यह नैतिक दायित्व है मेरा कि आपके माध्यम से एक उत्तरदायी धारी चैनल के माध्यम से, एक जिम्मेदार चैनल के माध्यम से अगर कुछ सुनाया जाए तो कवि सम्मेलन के अलावा कविता का भी कार्य हो जाए। निश्चित रूप से जो लोग इसको देख रहे होंगे वे इस बात की अनुभूत करेंगे कि चैनल सही काम कर रहा है। आइए कुछ छंद आपको पहले सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले भैया आप जहां से बात गौरव भैया ने कही आतंकवादी कहा गया, दुनिया भर की बातें कही गई, चार पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जिन लोगों ने ये कहा, जिन लोगों की विचारधारा ने ये कहा, जो लोग राम को इंकार करते थे, बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट जाकर दिख देते थे कि राम तो हुए नहीं, उनका हाल 2019 लोकसभा चुनाव में क्या था, चार पंक्तियां आपको सुना देना चाहता हूँ। प्रियंका गांधी जी कहां पहुंची, ये चार पंक्तियां सुनिएगा। ताश के समान फेंटना पड़ा है पूरा दल, वाह, ताश के समान फेंटना पड़ा है पूरा दल, द्वार द्वार जाके जनता से भेंटना पड़ा, भगवे में दिखता था उग्रवाद का विवाद, वही भगवा शरीर से लपेटना पड़ा। राहुल गांधी कोर्ट के ऊपर जनेऊ बहुत पहन करके मंदिर पहुंचे, जो भगवे में देखते थे उग्रवाद का विवाद, वही भगवा शरीर से लपेटना पड़ा, मेटना पड़ा क्रियाकलाप अपने। जिन लोगों ने राम पर प्रश्न उठाया उनका हाल क्या हुआ कि मेटना पड़ा क्रियाकलाप अपने ही आप, चूर चूर दम चुनके समेटना पड़ा, चूर चूर दम चुनके समेटना पड़ा, राम जी को काल्पनिक मानते थे जो भी उन्हें हनुमान जी के चरणों पे लेटना हनुमानगढ़ी। कुछ लोगों ने और कहा कि जो है जब फैसला आने वाला हुआ हमारे पक्ष में, महापुरुषों ने, शिरोमणियों ने कहा कि अब हम ये जमीन दान करना चाहते हैं, तो हमने चार पंक्तियां कही। मैं चूंकि राम के अस्तित्व के सवालों को खत्म करते हुए राम का जो उज्जवल चरित्र है उसकी व्याख्या तक करना चाहता हूँ, इसलिए ये चार पंक्तियां सुनिएगा कि जो दान करने वाले हैं कि बड़ा दानी, अभी तक सब दानी तो किया उन्होंने, कि बड़ा दानी इतिहास आपका रहा है द्वेष, बड़ा दानी इतिहास आपका रहा है द्वेष, दान में दिया है ये बखान कर दीजिए, कि बड़ा दानी इतिहास आपका रहा है द्वेष, दान में दिया है ये बखान कर दीजिए, वो एहसान हमें आपका न चाहिए कदापि, हो सके तो यही एहसान कर दीजिए, दानवीर कर्ण की अकेली औलाद आप, दानवीर कर्ण की अकेली औलाद आप, काम अब एक ये महान कर दीजिए, और दान करने का शौक है तो अयोध्या के बाद काशी और मथुरा भी दान। लेकिन मैं जानता हूं कि दान लेकर के ये काम नहीं होने वाला है, और अब मैं एक बड़ी टिप्पणी करना चाहता हूं। मुझे ऐसी आशा है और ऐसा एक कवि दृष्टा भी होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सत्य सनातन वैदिक राष्ट्र की घोषणा किसी लाल किले से नहीं हो सकती है। जिस दिन राम जी का मंदिर बनेगा, मुझे आशा है कि सत्य सनातन वैदिक राष्ट्र की घोषणा राम जी के मंदिर से होगी। आपको और कुछ अलग तरीके से सुना रहा हूं कि ये लोग जो दान करने वाले हैं, इनकी हैसियत क्या है कि कोट सूर्य के प्रकाश पुंज राम जी से युद्ध वृत्तियां विभावरी कहां से कर पाएंगी, युगों से परे हैं राम की सटीक व्याख्याएं, चेतना चराचरी कहां से कर पाएंगी, मुक्ति हेतु राम जी को देखने की युक्त कभी, शक्तियां निशाचरी कहां से कर पाएंगी, शक्तियां निशाचरी कहां से कर पाएंगी, जन्म भूमि का प्रताप इतना महान लाखों, जन्म भूमि का प्रताप इतना महान लाखों, बाबरी बराबरी कहां से कर पाएंगी। और अब राम के उस उज्जवल चरित्र की ओर लेकर के चलना चाहता हूँ कि आप एक सेकंड के लिए, दर्शकों से निवेदन है, एक सेकंड के लिए घर में बैठ करके आंख बंद कीजिएगा और राम जी के चित्र को अपने मन के सामने रखिएगा और देखिएगा कि कवियों ने नक्षत्र श्रृंगार वर्णन की परंपरा अभी तक निभाई है, राम हमारे नायक हैं, तो उनका एक नक्षत्र श्रृंगार वर्णन आप सुन लीजिएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ राम इस भारत के कार्य काम कैसे आए, उनका अंग अंग कैसे काम आया। पहली चार पंक्तियों से शुरू करता हूँ कि शीष तो आशीष है तो माता पिता गुरुओं के, वाह, गौरव भैया हमारे यहाँ मानस में गोस्वामी जी ने लिखा प्रातः काल उठकर रघुनाथा माता पिता गुरुनावई माता, वो परंपरा आज तक चली आ रही है। राम जी का सर कैसे काम आया कि शीष तो आशीष है तो माता पिता गुरुओं के, आंखें भक्तों के उतरने के काम आ गई, वाह वाह, और देर चखने को मुख गर्जने को कंठ वक्ष की शिराएं शौर्य भरने के काम आ गई, की शिराएं शौर्य भरने के काम आ गई, खींच के सारंग बाढ़ छोड़ती हुई भुजाएं रावण के प्राण हरने में काम आ गई, और चरण अहिल्या माँ को तारने में आए काम, पादुकाएं राज करने में काम आ गई।
छोटी चीज को सबसे बड़ा काम दिया। पश्चिमी देशों ने जिस हमारे भारतीय संस्कृति पर असभ्य होने का आरोप लगाया, आज पश्चिमी देशों का आलम यह है कि 25 से 30 दिन हो चुके हैं चुनाव हारे हुए, तर्म भाई साहब पर विमान ले रहे हैं, संसद के अंदर घुसे जा रहे लोग। अब आप एक बात सुनिएगा जो कहने की कोशिश करता हूं कि इतने दिनों बाद एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हारा हुआ व्यक्ति अपनी हार नहीं मान रहा है और वो उस देश को असभ्य कह रहा है जहां पर पिता ने वनवास दे दिया, बेटा वन चला गया, दूसरा भाई राज्य लेने को तैयार नहीं है, जहां वहां पर कुर्सी के लिए जूते चल रहे हैं और यहां पर जूते कुर्सी चला रहे हैं। तो हमें देखने की उसका कारण क्या है कि अतीत में व्यतीत राम काल के पुनीत पृष्ठ वाचना सदा हमारी गुरुता की गीत है। वाह, अतीत में व्यतीत ऐसा क्यों होता है? क्योंकि संस्कार क्या है कि अतीत में व्यतीत राम काल के पुनीत पृष्ठ वाचना सदा हमारी गुरुता की गीत है। और लखन ने त्यागे किंतु उसमें भी राम जी को कौशला से ज्यादा होती प्रीत की प्रतीत है। लखन ने त्यागे बेर उनमें भी राम जी को कौशला से ज्यादा होती प्रीत की प्रतीत है। और कहीं कहीं भाई है तो राज त्यागने की और कहीं राज है तो भाई त्यागने की रीत है। कहीं राज है तो भाई त्यागने की रीत है और दोनों घटनाओं बीच अंतर वही है, बस वहाँ राजनीति यहाँ राम जी की नीति है। जो कहीं का ना हो उसे कर देते कोहिनूर, जो कहीं का ना हो उसे कर देते कोहिनूर और दंभियों का दर्द जूर कर देते हैं। साधनों को साधना से साध कर मेरे राम वीर को भी बड़ा वीर शूर कर देते हैं। वीर को भी बड़ा राम चाहते तो बाली से मित्रता करके रावण से लड़ना बहुत आसान था। बाली ने अपने यहाँ पर रावण को 6 महीने दबा करके रखा, लेकिन बाली ने वही काम किया था जो रावण ने किया था। बाली ने तो इससे निकृष्ट काम किया था, उसने अपनी छोटे भाई की पत्नी का हरण किया था, रावण का तो राम से संबंध नहीं था। इस कारण से राम ने बाली का साथ ले लिया और एक कमजोर छोटे भाई को अपने विश्वास का संबंध देकर के इस लायक बनाया कि रावण की सेना के सामने खड़ा हो। अब सुनिएगा कि राम क्यों बड़े बनते हैं। जो कहीं का ना हो उसे कर देते कोहिनूर और दंभियों का दर्प चूर कर देते हैं। साधनों को साधना से साध कर मेरे राम वीर को भी बड़ा वीर शूर कर देते हैं। राम के रसायन का रस लेने हैं तो राम मजबूर मन का मयूर कर देते हैं और राम जी विषय हो ही सकते ना क्योंकि हमें राम जी ही विषयों से दूर कर देते हैं। और अंत के 2 छंद आपको सुनाना चाहता हूँ। मैंने जिस तरीके से कहा साहित्य का विद्यार्थी हूँ, 1 छंद आपको सुनाता हूँ। उसमें 2-3 प्रकार के अनुप्रास भी हैं और एक अनन्वय अलंकार होता है, उसका भी आपका प्रयोग देखेगा सुनिएगा। भैया कह रहे थे कि राम राम बार बार जब ना भजन हो जाता है तो मुझे लगता है इस छंद की पहली पंक्ति भजन हो गई कि राम 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 शब्द के समूह नहीं मांगलिक गान है। शब्द के समूह नहीं मांगलिक गान है। परंपरा ये रही है ना कि राम तभी बड़े बन पाते हैं जब उनको भरत जैसा छोटा भाई मिलता है। बिल्कुल, जैसे हम मिले तभी आप बड़े बन रहे हो। गोस्वामी जी ने लिखा ना कि चलत बयादे खात पल पिता दीन तजुराज, भरत के जैसा कौन है कि भाई पिता का दिया हुआ राजपाट सिंहासन छोड़ करके भाई को मनाने जा रहा है। अब आप सुनिएगा कि राम 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 शब्द के समूह नहीं मांगलिक गान है। भारतीयता की दिव्य देह पर राम जी के आचरण अर्चना के शुभ परिधान है। भारतीयता की दिव्य देह पर राम जी के आचरण अर्चना के शुभ परिधान है। राम ऐसे उपमेय है कि कभी खोजने से मिलते नहीं उनके समीप उपमान है, मिलते ना उनके समीप उपमान है और राम का विकल्प एकमात्र है स्वयं राम। राम तो हमारे बस राम के समान है। एक छंद आपको जो बहुत प्रचलित हुआ मैं वो आपको सुना देना चाहता हूँ कि राम है क्या। अब स्वर्णमयी लंका नरोस्ते में लक्ष्मण जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि गरियसी, आज राष्ट्रवाद पर चर्चा हो रही है तो मैं कहना चाहता हूँ राम को एक राष्ट्रवादी पुरुष के तौर पर देखने की भी आवश्यकता है। जो लंका में बैठ करके लक्ष्मण से कह रहे हैं कि मुझे ये सोने की लंका नहीं भारी है क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी होती है, वो राम इस देश के लिए क्या है। केश जो महेश के विशेष खुलते नयति, बड़ा छंद है। केश जो महेश के विशेष खुलते नयति, भगीरथी भाग वेग शेष नहीं होता जी,
जानवी का जल जंगलों को जन्म देता ना तो संगठित वसुधा का भेष नहीं होता जी, होता ना विराट शैल रात का ललाट, फिर धरती ना होती तो नगेश नहीं होता जी, धरती ना होती तो नगेश नहीं होता जी। और भारत की आत्मा के प्राण तत्व तो श्री राम, भारत की आत्मा के प्राण तत्व तो श्री राम, राम जी ना होते तो ये देश नहीं होता, राम जी ना होते ये देश नहीं होता जी। मैं अंत में जय श्री राम के उद्घोष के साथ में अपना यह काव्य पाठ आरंभ करूंगा। कुछ लोगों को इसमें भी दिक्कत है, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें सीता जी का नाम नहीं होगा, ये नहीं पता है कि श्री का अर्थ ही सीता होता है। बहुत अच्छे। आप सबके साथ में कहना चाहता हूं जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम के उद्बोधन के बाद कोई और नारा लगाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमारा पारण, हमारा सबसे प्यारा और सबसे पावन नारा यही है। बस मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि सभी राष्ट्रवादी कवि इसी प्रकार राष्ट्र की ज्वाला को प्रखर करते हैं, और ओम शक्ति टीवी के माध्यम से मैं आप सभी को इस प्रकार के कार्यक्रम हम दिखाते रहेंगे। आप सभी जितने लोग हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं, ओम शक्ति टीवी को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर जाकर हमारे पेज को लाइक करें, और मित्रों आपसे मुलाकात होती रहेगी। सनातन वैदिक राष्ट्र की जो मुहिम चल उठी है, जो आज कमल ने जिसका अनाउंसमेंट भी यहाँ पर किया है, हम उसको अंजाम तक लेकर अवश्य जाएंगे। और इसी के साथ साथ मैं इस कार्यक्रम से विदा लेता हूँ। बस अंत में यही कहना चाहता हूँ कि सितारों को आंखों में महफूज रखिए, दूर तलक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।